जननायक जनता पार्टी के संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आज चरखी दादरी दौरे के दौरान रेस्ट हाउस में पहुंचे। डॉक्टर अजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान स्थानीय नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से डॉक्टर अजय चौटाला के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी रखी गई। वहीं इस दौरान बैठक में पहुंचे जजपा कार्यकर्ताओं के बीच सामाजिक दूरी भी नहीं रही। हालांकि पार्टी के नेताओं के द्वारा बार बार सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा था, परंतु उसके बाद भी सामाजिक दूरी नहीं बन सकी। वहीं जहां कोरोना काल में 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने के लिए कहा गया है, परंतु कार्यकर्ता बैठक में काफी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने से इस नियम की भी धज्जियां उड़ गई। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद अजय चौटाला ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वे आज चरखी दादरी के कार्यकर्ताओं से बैठक करने और उनकी समस्याओं को जानकर उनके समाधान करने को पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि आज उनसे काफी कार्यकर्ता मिले हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि काम हो रहे हैं तभी समस्याएं आती हैं और उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं से मीटिंग के लिए भी प्लस उनसे उनकी समस्याओं को जान करके उनके समाधान के लिए, काम नहीं हो तो फिर समस्या हो ही नहीं, काम होते हैं तभी समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो उसके समाधान के लिए बैठे हैं, इन अधिकारियों से बात करनी है, उनको कह के उनका समाधान करवाएंगे। प्रकाश चौटाला द्वारा बड़ौदा चुनाव में खुली चुनौती देने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि वे 7 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते तो चुनौती किस बात की। उन्होंने कहा कि यूं ही कोई बात कहने से कुछ नहीं होता है। अजय चौटाला ने कहा कि जब चुनाव होंगे तो पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि इनेलो ने दादरी से भी चुनाव लड़ा था लेकिन वोट तो बहुत कम आए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आने के बाद यह तय किया जाएगा कि चुनाव किस तरह लड़ा जाएगा। चुनाव में अगले 7 साल तक नहीं उतर सकते, कानूनी पाबंदियां हैं, मेरे पे भी है, उन पे भी है। अब यूं ही कोई बात कहने से किसी चीज़ का समाधान नहीं होता, और निकट भविष्य में चुनाव हो जाएगा, उसमें पता लग जाएगा। चुनाव तो आपके दादरी से भी लड़ा था, वोट तो नोटा से भी कम आए। तो वहाँ से जे जे पी चुनाव लड़ेगी या भाजपा या संयुक्त रूप से? हम आपसी तालमेल से लड़ेंगे, चुनाव आने दो, चुनाव के वक्त सारी चीज़ हो जाएगी। ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा प्रदेश में सरकार न होने के बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी कार्यों को पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा है और उनका पैसा भी समय पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है और ये सभी सरकार ही कर रही है। आप स्वयं इस बात को रोजाना देखते हैं, पिछले दिनों गेहूं की, सरसों की, चने की परचेज हुई। हमने यही कहा था किसान का दाना दाना खरीदेंगे, आड़ती को, किसान को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। आज बाकायदा एक एक दाना खरीदा भी गया है, उनकी पेमेंट भी हुई है और समय से पहले हुई है। आज तक इस तरह की परचेज कभी नहीं हुई और हरियाणा नंबर 1 पे है इंडिया में परचेज के मामले, प्रोक्योरमेंट के मामले। तो ये सरकार का काम है या और कोई कर रहा है? जिला के टमाटर उत्पादक किसानों की मांगों को लेकर पूछे गए एक सवाल पर अजय चौटाला ने कहा कि स्थानीय विधायक धरने पर गए थे और वे किसानों को आश्वासन देकर आए हैं, हालांकि उनसे किसान नहीं मिले हैं। स्थानीय विधायक का फोटो देखा था मैंने, तो वो गए थे मीटिंग में, उनके पास क्या आश्वस्त करके आए हैं, मेरे से तो इस सिलसिले में मिले नहीं। कोरोना महामारी के बारे में अजय चौटाला ने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और सभी को मिलकर लड़ना है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, आप देखते हैं इस महामारी से तो सबको मिलकर के लड़ना है, स्वयं का बचाव स्वयं को करना है। सरकार के स्तर पे सारे प्रयास किए जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर कोरोना काल में राजनीतिक कार्यक्रम करने के आरोप लगाए थे, जिस पर अजय चौटाला ने कहा कि टीवी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यदि कोई अपना कार्यक्रम कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, वे अपना कार्यक्रम करना चाहें तो कर सकते हैं, उन्हें किसने रोका है। कोई टीवी के माध्यम से, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर रहा है तो वो करने, उनको कौन रोकता है। वहीं बैठक के दौरान सामाजिक दूरी न होने के सवाल पर अजय चौटाला ने कहा कि बचाव में ही बचाव है और सभी को अपना बचाव स्वयं करना है। ये कहना कि बचाव में ही बचाव है, स्वयं का बचाव हमें ही करना है। आपने मास्क पहना हुआ है, मैंने आपसे बात करने के लिए उतार लिया, तो ये तो बचाव हमें स्वयं को करना है।